उत्तराखंड विधानसभा की भर्तियों में धांधली के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद नियम विरुद्ध हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि जो भी भर्तियां नियम विरुद्ध हुई हैं उनको निरस्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि भर्तियों में आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है। साथ ही रितु भूषण खंडूरी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्हें नए विधानसभा सचिव की भी तलाश है। जो रिपोर्ट आई है, समिति की रिपोर्ट आई है, उसमें आप सब जानते हैं कि बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो भी भर्तियाँ हुई हैं वो नियम विरुद्ध हुई हैं, चाहे एडवर्टीजमेंट निकालने की बात हो, चाहे एग्जाम लेने की बात हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की बात हो, और साथ ही साथ आर्टिकल 14 और 16 का भी पालन नहीं हुआ है, जो कहता है कि हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए जहाँ तक भर्ती का सवाल है। तो इस कारण से जब रिपोर्ट आई है उसके बाद हमारी टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ। थोड़ा समय लेता है क्योंकि उसमें कॉपीज बनानी पड़ती हैं और जगह जगह भेजनी पड़ती हैं। तो इसके तहत कल करीबन हम लोगों ने 40 टर्मिनेशन नोटिस सर्विस किए थे, जिसमें से शायद 35 लोगों ने उनको रिसीव कर लिया है। इसी तरह से आज भी हम कुछ 100 को देने वाले हैं। ये धीरे धीरे प्रोसेस एक दो दिन में समाप्त होगा। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय थोड़ी सी उथल पुथल मची है विधानसभा में और मेरे पास इस समय सचिव भी नहीं है, तो उसकी तैयारी में हूँ, ढूंढ रही हूँ कोई ऐसी व्यक्ति जो विधानसभा सक्षम तरीके से चला पाए। तो जल्द मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी।